बस्मिलीम एम टी आई टू जीरो टू असाइनमेंट नंबर टू स्प्रिंग टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री और इंस्ट्रक्टर है राहिब रज़ा क्वेश्चन नंबर वन यूज़ मैथमेटिकल इंडक्शन टू प्रूव दैट समेशन ए आर आई वेर आर इज़ इक्वल टू इज इक्वल टू ए प्लस ए आर प्लस ए आर टू अपू एन इज इक्वल टू ए आर रेज टू पार एन प्लस वन माइनस ए डिवाइडेड बी आर माइनस वन वेर आर इज़ नॉट इक्वल टू वन एंड एन इज नॉन नेगेटिव इंटीजर तो सबसे पहले हम इसको चेक करेंगे फर एन इज इक्वल टू वन के लिए इनके जहाँ पे आंदा है वहाँ पे आप वन पुट कर देंगे इसमें लेफ्ट साइड पे हमने की जगह वन पुट कर दिया तो एन की जगह वन पुट करने का मतलब क्या है कि आई की वैल्यू आप जीरो टू वन चलाएंगे यहाँ पर जब आप जीरो पुट करेंगे आपके पास आ जाएगा ए क्योंकि आर की पावर जीरो वन होता है जब आप वन पुट करेंगे आपके पास आ जाएगा ए आर इनके सिर्फ दो टर्म्स आएंगे ए प्लस ए आर इसी तरह जब आप राइट हैंड साइड पर वन पुट करेंगे आपके पास आ जाएगा वन प्लस वन इनके ए आर स्क्वायेर माइनस ए होल डिवाइडेड बी आर माइनस वन इन दोनों में से हम ए कमन ले लेंगे बाकी बच्चे का स्क्वायर माइनस वन उसको आर प्लस वन इन आर माइनस वन कर देंगे आर प्लस वन बच जाएगा और आर माइनस वन आर माइनस वन से कैंसिल हो जाएगा रिजल्ट हमारा आ जाएगा ए प्लस ए आर लेफ्ट साइड पर भी ए प्लस ईआर आया हुआ है तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड इट इज ट्रू फॉर एन इज इक्वल टू के इनके जो आपका क्वेश्चन है उसमें आप एन कीजिएगा के लिख लेंगे इसके लिए हम इसको ट्रू लेट कर रहे हैं और हम प्रूव करेंगे कैन इज इक्वल टू के प्लस वन के लिए ये ट्रू है ये हमें ये प्रूव करना है कि जहाँ पे हमारे पास एन आ रहा था वहाँ पे हमारे पास के प्लस वन आएगा तो राइट हैंड साइड पर जब हम के प्लस वन करेंगे एक वन पहले से तो ये के प्लस टू बने जाएगी ये हमारी राइट हैंड साइड है ए आर रेस टू पार के प्लस टू माइनस ए होल डिवाइडेड बाई आर माइनस वन तो हम लेफ्ट हैंड साइड को लेट करेंगे और जो राइट हैंड साइड है इसके इक्वल प्रूव कर देंगे लेफ्ट हैंड साइड की सुमेशन ए आर एस टू पार आई आई इज इक्वल टू वन टू के प्लस वन या आप उसको इस तरह भी लिख सकते हैं ए प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्र प्लस ए आर रेस टू पार के प्लस ए आर एस टू पार के प्लस वन अब जरा गौर करेंगे ये जो कुछ भी आपके पास है इस लास्ट टर्म को छोड़ के इसको तो हमने लेट किया हुआ है कि ये ट्रू है तो इसकी जगह हम इक्वेशन नंबर वन को यूज करते हैं वो वाली वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देते हैं जब आर माइनस वन से हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो पहली टर्म लास्ट ये कैंसिल हो जाएगी बाकी प्लस टू माइनस ए डिवाइडेड बाई आर माइनस वन विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड क्वेश्चन नंबर टू यूज मैथमेटिकल इंडक्शन टू प्रूव दैट टू रेज टू पार एन इज लेस देन एन फैक्टोरियल वेर एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू फोर अब इसके एन में जो लीस्ट वैल्यू दी हुई है वो फोर है तो हम फोर के लिए इसको चेक करेंगे टू रेज टू पार फोर इज लेस देन फोर फैक्टोरियल सिक्सटीन इज लेस देन ट्वेंटी फोर विच इज़ ट्रू नाउ वी विल लेट इट इज ट्रू फॉर एन इज इक्वल टू के इट्स मीन टू रेज टू पार के इज लेस देन के फैक्टोरियल और उसको इन इक्वलिटी नंबर वन का नाम दे देते हैं हम वी विल हैव टू शो डैट

टू के फैक्टोरी को हम लिख लेते हैं K K के फैक्टोरियल प्लस के फैक्टोरियल यानी कि टू रेस्टू पर के प्लस वन इज लेस देन के फैक्टोरियल प्लस के फैक्टोरियल उसको इक्वालिटी नंबर थ्री कह रहे हैं अब राइट हैंड साइड की तरफ आते हैं के प्लस वन होल फैक्टोरियल तो हमने इसको लिख, लिख लिया के प्लस वन इंटू के फैक्टोरियल तो के फैक्टोरियल को इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं ये आ जाएगा के इंटू के फैक्टोरियल प्लस के फैक्टोरियल तो के फैक्टोरियल प्लस के फैक्टोरियल वो लेस होता है के इन टू के फैक्टोरियल प्लस के फैक्टोरियल से उसको हम इनिक्वालिटी नंबर फोर का नाम दे रहे हैं अब थ्री और फोर को हम कंबाइन कर लेते हैं तो हमारे पास आ जाएगा टू रेस्ट पर के प्लस वन इज लेस दैन के फैक्टोरियल प्लस के फैक्टोरियल एंड के फैक्टोरियल प्लस के फैक्टोरियल इज लेस दैन के के फैक्टोरियल प्लस के फैक्टोरियल यानी कि एक्स इज लेस दैन वाई एंड वाई लेस दैन जी दिस इंप्लाइज x एक्स आल्सो लेस दैन जी वो हम यूज़ कर क्या था ये था के प्लस वन होल फैक्टोरियल दिस इम्प्लाइज दैट टू रेज टू बार के प्लस वन इज लेस देन होल फैक्टोरियल ऑफ के प्लस वन